आदाब दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है, मेरा ताल्लुक जज़ीरा मॉरिशस से है। आज मैं समंदर के किनारे हूँ क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी एक कहानी जिसका उन्वान है समंदर की दोस्ती। इस कहानी को हमारी आवाज़.com, आवाज़ कर्नाटक, इश्तराक.com, अलहिलाल मीडिया, पंचनूत.com, बसीरत ऑनलाइन और हमारी आवाज़.com ने शाया किया है। तमाम मुदीरान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कहानी समंदर की दोस्ती। मॉरिशस का साहिल पूरी दुनिया में मशहूर है। समंदर का दिल फरेब मंज़र आँखों को खुश करता है। जहाँ तक निगाह जाती है, सफ़ेद और बारीक रेत है, पानी बिल्कुल साफ है। कहीं पर पानी हल्का नीला नज़र आता है तो कहीं पर गहरा नीला और कहीं कहीं हरा नीला मालूम पड़ता है। आसमान बिल्कुल साफ रहता है और सूरज की गर्मी पानी को हर वक्त गर्म रखती है। ग़ुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब की दिलकशी दिल को सुकून देती है। साहिल पर ऊंचे ऊंचे दरख्तों की कतारें राहत मुहैया करती है। समंदर में तरह तरह के जानवर रहते हैं जो इस जज़ीरे की खूबसूरती पर नाज करते हैं। इन्हीं जानवरों में से एक केकड़ा था। एक दिन केकड़ा मॉरिशस के समंदर के किनारे चल रहा था। नमकीन पानी की महक उसको खुश रखता, लहरों का शोर उसे मसरूर करता। समंदर उसका घर था, वो इसी जगह पैदा हुआ। समंदर उसका दोस्त भी था, वो अपने दोस्त से अपनी सारी बातें बताता। इस पुरसुकून जज़ीरे में उसकी ज़िंदगी आराम से गुज़र रही थी। चलते चलते उसके पैरों के निशान रेत पर पड़ते गए। केकड़ा अपनी छोटी टांगों से बनाए गए निशानात को देखकर खुश हो रहा था। मॉरिशस के साहिल की सफ़ेद रेत धूप में हीरे की तरह चमक रही थी। चमकती रेत में केकड़े की टांगों के निशानात और ज़्यादा खुशनुमा नज़र आते। अचानक समंदर की लहरें उन निशानात को बहा ले गया और सब पहले की तरह हो गया, जैसे यहाँ से कोई नहीं गुज़रा था। केकड़ा मायूस हुआ। उसे यूं लगा कि किसी ने उसके वजूद को फना कर दिया। उसने समंदर से कहा, मैं ये समझा था कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, फिर तुमने मेरी टांगों के निशानात क्यों मिटाए? मेरा दिल उदास हो गया। समंदर ने जवाब दिया, मेरे अज़ीज़ दोस्त, एक माहीगीर तुम्हारी तलाश में निकला है। वो तुम्हारी टांगों के निशानात से तुम तक पहुंचना चाहता है, इसलिए मैंने वो निशान मिटा दिए। अगर माहीगीर तुम्हें पकड़ता तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठते। मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को खोना नहीं चाहता। ये सुनते ही केकड़े का दिल भर आया। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा जबकि तुम मेरी भलाई का ख्याल कर रहे थे। केकड़ा शर्मिंदा हुआ। समंदर में उसकी तरह और बहुत सारे केकड़े थे। किसी ज़माने में वो सब के साथ मिलजुल कर रहता था, लेकिन वो सब उसको साहिल पर चलने से रोकते थे। इस बात से नन्हे केकड़े को तकलीफ़ होती। उसके दोस्त उसको वो काम करने से रोक रहे थे जो वो बहुत पसंद करता था। वो आज़ाद माहौल में रहना चाहता था, इसलिए अपने कुनबे को छोड़कर वो समंदर से दोस्ती करने लगा। उस दिन केकड़े ने ये सबक सीखा कि जब पुराने दोस्त धोखा देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि नए दोस्त भी धोखा दें। सबको एक ही लाठी से हांकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर दूसरों की नीयत पर शक करते हैं, जिस तरह केकड़ा समंदर की नीयत पर शक कर रहा था। लेकिन समंदर का इरादा केकड़े के निशानात मिटाना नहीं था, बल्कि वो माहीगीर से उनकी जान बचाना चाहता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि दूसरों पर शक करने की जगह
उनके अमल का गलत मतलब निकालने की जगह उनके इरादों को समझने की कोशिश किया जाए। दर हकीकत वो आपको तकलीफ़ नहीं बल्कि आपकी मदद और आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी समंदर की दोस्ती। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी। मैं मॉरिशस के चंद खूबसूरत मनाजिर भी इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ ताकि आप भी मॉरिशस के समंदर की खूबसूरती से लुत्फ़ानंदोज़ हो सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। इंशाल्लाह एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर रहूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें।